कोरोना के चलते सोलन में नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। यहां तक कि सोलन अस्पताल में डायलिसिस और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके चलते सोलन शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर रोगी और उनके परिजन इसको लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने अपनी चिंता को मीडिया से साझा किया और मीडिया ने इस बात को उपायुक्त सोलन तक पहुंचाया, तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि सोलन में जितने भी निजी अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज हैं, उन्हें खोलने के आदेश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अगर इस संकट की घड़ी में वे आदेशों को नहीं मानते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डायलिसिस और फिजियोथेरेपी की सुविधा दोबारा से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें जैसे डायलिसिस है या दूसरी चीजें वो भी नहीं हो पा रही है। हाँ, ये मेरे ध्यान में आया है। अब डायलिसिस आज इसको व्यवस्था को जमा देंगे। इसके लिए फिजियोथेरेपी, डायलिसिस और दूसरे इश्यूज हैं उसके हम देखेंगे। और दूसरा हमारा है कि अभी हमारे हमने कुछ रोड साइड में ये ध्यान में आया कि हमने वो मैकेनिक शॉप्स भी खोलनी है कुछ सेलेक्टिव इसमें, क्योंकि गाड़ियों के लिए मुरम्मत के भी इश्यूज भी कुछ आ रहे हैं, उसको भी हमने देखना है, उसको भी हम कर रहे हैं आज। सर, डर के मारे अभी तक जो हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल्स हैं, वो नहीं खोल रहे हैं। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये कि सामुदायिक जिम्मेवारी सबकी है, जिसको लाइसेंस दिए हैं, जो अपने कार्ड, जो आप नर्सिंग हाउसेज है, ये सारी उनको अपनी जो सुविधाएँ हैं उनको रोल आउट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो हम इसमें एसेंशियल, इसमें जो है कैपिटल की जिसमें है जो NDMA का सेक्शन 51 की तरह कार्रवाई करेंगे।